हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स अंकुश क्रिएशन। सो अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज मैं माता शाकंभरी की आइडल बनाना दिखा रहा हूँ। इसके लिए किसी ने मेरे चैनल पे रिक्वेस्ट करी थी और सो ये मैंने सप्तशती के अकॉर्डिंग माता की मूर्ति बनाई है। इसमें माता का वर्ण नीला है और माता की चार भुजाएँ हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस आसन पर माता को, मतलब जिस कमल पर हमें माता को बैठाना है, वो कमल बनाएंगे। सो मैंने मिट्टी से पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बाद मैंने लास्ट में पेपर की पंखुड़ियाँ बना के लगाई हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली भी पूरा कमल बना सकते हैं। लेग्स बनाने के लिए हमें इस टाइप का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हम थाइस को और लोअर थाई पोर्शन को अलग अलग बनाएंगे, जिससे कि पैर का शेप हमें थोड़ा परफेक्ट आए। इस टाइप से देखिए, ये थाइस बनाए और ये दूसरी तरफ का था। इसमें मैंने एक पैर माता का ऊपर रखा हुआ, मोड़ा हुआ, और एक नीचे लटका हुआ बनाया है। आप चाहें तो पोज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये पोज टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो इस टाइप से अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे फेविकॉल का भी यूज़ कर रहा हूँ, अगर जैसे आपकी मिट्टी को बाइंडिंग अच्छी नहीं है तो हर पार्ट बनाने के बाद दूसरा पार्ट जोड़ने के लिए आप उस पर फेविकॉल ज़रूर यूज़ करिए, नहीं तो आपकी मूर्ति सूखने के बाद डिसमेंटल हो जाएगी। ये हमने अपर बॉडी बना दी है। इस टाइप से हमें अपर बॉडी बनानी है। सो ये कंप्लीट अपर बॉडी बन गई है और ये मैंने अटैच कर दी इसमें। अब हम माता के हाथ बनाएंगे। हाथों पे भी हमें जो दो पोर्शन में बनाना है, एल्बो शोल्डर तक का पोर्शन अलग और पाम और एल्बो तक का पोर्शन अलग। दो पोर्शन में अगर हम हाथ बनाएंगे तो हाथ ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, ज़्यादा शार्प दिखेंगे। डायरेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे तो अगर आपकी क्ले अच्छी तो आप बना भी सकते हैं। वैसे अगर जैसे मेरी क्ले तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, सो टूट जाते हैं हाथ अगर डायरेक्टली उनको बैंड करने की कोशिश करें। सो मैंने दो, इससे बेटर मैं समझता हूँ कि दो पोर्शन उसको बना लें, उनके बाद दोनों को अटैच कर दें। ये मैंने फिंगर्स बनाई है, मैंने इसका फिंगर बनाने का वीडियो पहले भी आपको दिखाया है इसी वीडियो में। और ये मैंने नील से कट करके फिंगर्स बनाई है। ये सबसे इजी वे है फिंगर्स बनाने का और छोटी मूर्ति में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। थंब भी लगा देंगे और ये हाथ अटैच कर देंगे। आगे के दोनों हाथ इसी तरह से अटैच कर रहे हैं और ऊपर के हाथ में एक हमें ओपन पाम रखना है, जैसे हम आशीर्वाद वाला हाथ होता है वो टेढ़ा करके, और बाकी जो दूसरा हाथ है वो सेम ऐसे ही बनेगा। ये अब हम माता का फुट बना रहे हैं, जो नीचे लटका हुआ पैर है उसका फुट बना रहे हैं। ये कमल की पंखुड़ी पर रखा हुआ दिखाएंगे। ये लगा दिया हमने फुट और ये आइडल कंप्लीट हो गई है। इसको मैंने मिट्टी की साड़ी पहनाई है, उसका मैं वीडियो अपलोड नहीं कर बना पाया। सो बाद में मैं आपको दिखा दूँ। हमें वाइट कलर करना है, उसके बाद हमें कलरिंग स्टार्ट करनी है, जिससे कि जो बाकी कलर है उनका लुक सही है। मैं पोस्टर कलर यूज़ कर रहा हूँ। माता की स्किन के लिए हमने ब्लू कलर यूज़ किया है, साड़ी के लिए रेड, ऊपर चोली के लिए ग्रीन, और बाकी बॉर्डर डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है आप कैसा करना चाहते हैं। साड़ी का कलर भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको कैसा रखना है। और साड़ी आप कपड़े की भी बना सकते हैं। इससे पहले मैंने साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो अपलोड करा है, आप चाहें तो मैं मिट्टी की साड़ी का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये हमारा कलरिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैंने साड़ी पर डिज़ाइनिंग कर दी है और माता की आईज़ बना दी है। माता की पूरी बॉडी पे आईज़ बना दी है मैंने, क्योंकि माता का नाम सताक्षी भी है, इसका मतलब है माता की 100 आँखें हैं। और ये मैंने ज्वेलरी और हेयर्स भी लगा दिए हैं। अब एट लास्ट हम अस्त्र और लोटस की पेटल से लगाएंगे, उसके बाद ये आइडल कंप्लीट हो जाएगी। सो ये कंप्लीट लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आपको नई अपडेट्स, वीडियो की नई अपडेट्स हमेशा मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। थैंक यू।